नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है जीतू, आप देख रहे हो जीतू टेक YouTube चैनल। तो दोस्तों मैंने जो अभी पहले एक वीडियो डाला था जो कि एक इंसोट ऐप के बारे में, जो कि एक वीडियो एडिटिंग ऐप था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ यार आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर वीडियो जो देख सकते हो। तो मैंने उस वीडियो में जो एक जो वीडियो एडिटिंग ऐप जो कि इंसोट एप्लीकेशन है, वो एक वीडियो एडिटिंग ऐप है, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर जो वीडियो है उसमें बताया था। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, मैंने जो एक नई प्लेलिस्ट क्रिएट की है वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल ओके, तो उसके जो जितने भी अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ, और जो प्ले स्टोर पर वीडियो एडिटिंग के एप्लीकेशन है उनका वीडियो जो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आज फिर मैं आपके लिए एक अच्छा सा तगड़ा सा है जो है वीडियो एडिटिंग ऐप जो लेके आ गया हूँ। तो फ्रेंड्स पहले मैंने वीडियो बनाया था इंसोट ऐप के बारे में, और आज का जो वीडियो है वो है हमारा फिल्मोरा ऐप के बारे में। अगर आपने नाम सुना है फिल्मोरा तो ठीक है, नहीं तो आप जो इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि फिल्मोरा कैसा ऐप है और कैसे उससे जो वीडियो एडिटिंग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ, और उसकी जो खास बात यह है कि उसके अंदर आपको वाटरमार्क नहीं मिलेगा, हालांकि उसका जो वाटरमार्क है वो एकदम लास्ट स्क्रीन में एंड स्क्रीन में आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ यार वीडियो को पूरा देखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पर अपडेट है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो प्लेलिस्ट है वो कैसे आप ओपन करोगे इसके बारे में आपको सबसे पहले बता देता हूँ। उसके बाद जो है आप वीडियो के कैटेगरी वाइज जो है अपने वीडियोज़ देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर व्हाट्सएप ट्रिक की और जो टेलीकॉम कंपनी है या फिर जो वीडियो एडिटिंग है उसके टाइप की जो अलग अलग प्लेलिस्ट जो बनाई है वो आप कैसे देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर विजिट करना है ओके। चैनल पर विजिट करने के बाद अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार ये जो है आपको ऐसा दिखेगा, तो इसको यहाँ पर आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ऑन कर देना है ओके। उसके बाद यहाँ पर आप इसको स्लाइड करोगे या फिर जो जैसा यहाँ पर आपको ऊपर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाई देता है तो आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको अपनी इन सारी जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। सबसे पहले ऊपर ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल ओके। तो यही जो प्लेलिस्ट है मैंने नई क्रिएट की है, इसके अंदर अभी जो मैं जितने भी 8-10 दिन तक कंटिन्यू पर डे 1 वीडियो डालूंगा वो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो होगी, और वीडियो एडिटिंग के अभी जो जो ऐप है वो मैं ढूंढ ढूंढ कर उसका जो वीडियो बना कर इस जो प्लेलिस्ट के अंदर डालने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो पहले जो मैंने एक वीडियो डाल दिया, और एक वीडियो जो यही वीडियो ये भी इसके अंदर ही होगा। तो फ्रेंड्स आप ऐसे जो प्लेलिस्ट के अंदर जा सकते हो। फ्रेंड्स अब आप जो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हो एक जो फिल्मोरा गो नाम का एक एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स यही जो वीडियो एडिटिंग ऐप है, और इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक के नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर आप जैसे क्लिक करोगे तो जो फिल्मोरा एप्लीकेशन है उसका जो वो जो है प्ले स्टोर में या फिर जो है क्रोम ब्राउजर में आपके ओपन हो जाएगा, और आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा जो इंटरफेस आता है यहाँ पर आप देख लीजिए। मैं इसको क्लिक किया और यहाँ पर ये देख लीजिए कुछ ऐसा जो इंटरफेस आपको यहाँ पर मिल जाता है फिल्मोरा गो ओके। और यहाँ पर ये देख लीजिए ओके, तो यहाँ पर एग्री कर देना है, क्योंकि ये जो है कुछ परमिशन होती हैं जो अलाउ करता है। और उसके बाद क्रिएट न्यू वीडियो माई सेव्ड प्रोजेक्ट हो तो ओके, तो यहाँ पर क्रिएट न्यू वीडियो पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर आप देख लीजिए जितने भी आपके वीडियोज़ होंगे वो वीडियोज़ आप पर आपको मिल जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर स्लाइड करोगे तो आपके जितने भी फोटोज़ होंगे वो आ जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर फेसबुक इंस्टाग्राम ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी ओके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक जो एप्लीकेशन जो एक वीडियो है उसको एडिट करके आपको यहाँ पर बताते हैं। तो मैं यहाँ पर एक वीडियो को जो है ले लेता हूँ ओके। ये देखिए तो ये वीडियो मैंने ले लिया है, और इस वीडियो को आप चाहे तो ट्रिम करके भी ले सकते हो, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको एक बार 10 सेकंड का ले रहा हूँ ओके। और उसके बाद जो है एक और इसके अंदर हम वीडियो जो है डाल देते हैं, ये भी जो वीडियो हम 10 सेकंड का डाल देते हैं ओके, सॉरी इसको कर देते हैं 5 सेकंड का। तो ये देखिए इसको भी हमने डाल दिया, और अब यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं ओके। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो वीडियो दो वीडियो आ गए, इसको मैं प्ले करता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ ये जो है ओके ओके आपको करते जाना, ये आपको बताएगा ओके। अब इस वीडियो को मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये जो 10 सेकंड तक चलेगा ओके ओके, और उसके बाद यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो अभी फ़िलहाल मेरा दो वीडियो इसके अंदर डाला है, और अब आप क्या करना है यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक सेटिंग बताऊँ थीम की, तो थीम के अंदर आपको अलग अलग टाइप के थीम मिल जाएंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए मैं इसको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आप देख लीजिए कुछ ऐसा जो है आपको यहाँ पर थीम मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फैशन नाम से थीम है ओके, और भी जो आपको बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर आपको थीम में जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ओके।
मिरर का एक थीम है इसके अंदर, ये जो डबल साइड है, डबल साइड से जो दो वाला है वो आता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कुछ ऐसा भी थीम जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ओके। और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर म्यूजिक के, तो म्यूजिक भी आप यहाँ से जो है कुछ आपको फिल्मोरा के अंदर भी मिलेंगे एक आधा, और जो आप है अपने मोबाइल की गैलरी से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप देख लीजिए माई लाइब्रेरी मिल जाएगा, और यहाँ पर हो सकता है आप डाउनलोड भी कर सकते हो जो फिल्मोरा की तरफ से है, और यहाँ पर अपनी लाइब्रेरी से भी चूज कर सकते हो, ओके। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, ओके। और उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं ट्रांजेक्शन की, तो ट्रांजेक्शन में आपको क्लिक करना है, यहाँ पर ये जो एक है ट्रांजेक्शन आ गया है, ओके। क्योंकि अभी फिलहाल दो वीडियो है तो दो वीडियो के बीच एक ही ट्रांजेक्शन होगा। यहाँ पर जो 19 जो होते हैं हमारे ट्रांजेक्शन आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको कुछ ऐसे जो यहाँ पर देख लीजिए अलग अलग टाइप से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, कोई भी आप जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, और अब यहाँ पर देख लीजिए क्रॉप का भी ऑप्शन आपको मिला है कि वीडियो आपको क्रॉप करना है या नहीं करना, तो ओके ये कुछ ऐसा जो यहाँ पर इंटरफेस आ रहा है, ओके इसको यहाँ पर कर देते हैं। ओके और उसके बाद यहाँ पर एडिट टूल्स का ऑप्शन मिल जाता है, एडिट टूल्स के अंदर हमें बहुत सारे जो ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे सबसे पहले वीडियो को क्रॉप करना कितना का रखना है ये वाला ऑप्शन, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइटल क्या डालना है वो वाला, तो अभी मैं टाइटल नहीं, उसके बाद PIP, ओके। इसके ऊपर जो आपको अगर कोई फोटोज़ वगैरह लगानी है तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर वॉइस मेकर, अगर आप अपनी आवाज़ इसके अंदर डालना चाहते हो वीडियो एडिटिंग के अंदर, जो आप वीडियो एडिट कर रहे हो तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। और ऑडियो मिक्सर, यहाँ से कोई भी जो किसकी आवाज़ कितनी रखनी वीडियो की आवाज़, और एक जो आवाज़ हम डालेंगे वो वाला सॉन्ग, और एक जो है हम जो रिकॉर्ड करेंगे, तीनों का यहाँ पर जो है एक मिक्सर मिलता है जिसे हमें एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फ़िल्टर मिल जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा फ़िल्टर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, कोई भी आप जो है सेलेक्ट कर लीजिए, और ये जो फ़िल्टर आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, ओके। और उसके बाद यहाँ पर ओवरले, ओके, तो यहाँ पर ये भी जो कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, इसको चेक कर लेते हैं कैसे कुछ है, ये देखिए, ओके। तो इसको एक कट कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर इसको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, ओके ये पत्तियाँ वगैरह आ रही है, ये देखिए, ओके। और उसके बाद टाइटल्स, ओके, कुछ इस टाइप वाले टाइटल, ओके, ये देखिए। तो यहाँ पर अगर टाइटल डाले, टाइटल की बात करें तो मैं यहाँ पर टाइटल डाल देता हूँ, एक मिनट, ओके। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप का आपको टाइटल भी आप जो डाल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो वाला टाइटल। उसके बाद यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि आपको वीडियो को रोटेट करना है या फिर जो है फ्लिप करना, ओके ये देखिए, और यहाँ पर रोटेट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, ओके। उसके बाद यहाँ पर एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर ब्राइटनेस, टेम्परेचर, जो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन है वो आपको सारे मिल जाएंगे, आपको कितना कुछ यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, कौन ये देखिए, तो इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद डुप्लीकेट, यानी कि आपको एक वीडियो डुप्लीकेट और मिल जाएगा जो अभी फ़िलहाल आ चुका है, ओके इस वीडियो को फिलहाल कर रहे हैं डिलीट, ओके। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सॉरी यार डिलीट का है, और तो सारे ऑप्शन जो हो गए, उसके बाद ओके करके मैं आपको यहाँ पर बताते हैं वीडियो को सेव कैसे करना है, ओके। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, उसके बाद भी अगर आप यहाँ पर कोई और वीडियो डालना चाहो तो डाल सकते हो, और यहाँ पर सेव का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो वीडियो जो है थोड़ा सा एक्सपोर्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारे जो भी ऑप्शन है वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे, और उसमें से कोई भी जो ऑप्शन आप चूज़ करके वीडियो को सेव कर सकते हो या फिर जो गैलरी में भी सेव कर सकते हो, ओके। तो ये जो वीडियो हमारा अभी जो है सेव हो रहा है, ओके, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए जो लास्ट में ये जो लोगो फिल्मोरा का आता है, ओके, बीच में आपको या फिर कोने में नहीं आ रहा, ओके। और सेव टू कैमरा रोल, तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो है सेव्ड फोटो एल्बम, यानी कि ये जो वीडियो हमारा
गैलरी में सेव हो गया है। तो फ्रेंड्स आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।